आका इनामदार सरकारी दुआलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न। जनूबी पंजाब भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबात, जलूस, महाफिल और लंगर का खसूसी एहतमाम। सरकारी और निजी इमारतों को सजाया गया, मसाजिद, मजारात, अहम शाहराहों और गलियों की भी सजावट। अंदरूनी बाजार में मसनू आबशारों और पवारों का दिलकश मंजर। हर सू सब्ज परशमों की बहार। सराय की खत्ती को रोही की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक। खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़े हक खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामाईं या रहमतुल आलमीन। शहर औलिया में 100 साल कदीमी जुलूस, सदर अंजुमन इस्लामिया तनवीर और यज़दानी गिलानी ने जिस जुलूस की क़यादत की, शाह महमूद कुरैशी और अरकान असेंबली की भी शिरकत। नन्हे आशिकान रसूल की खसूसी एहतमाम, रंगारंग नए कपड़े ज़ेब तन करके जुलूस में शिरकत। अंजुमन सरफरोश शान इस्लाम की रैली, तारिकाबाद मुल्तान से भी जुलूस निकाला गया। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहल्ला दाऊद जहानिया मुल्तान से सहराई जहाजों का जरूर बरामद। चिश्तिया में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल कदीम रैली, ऊंटों और घोड़ों के काफिलों की जुलूस में शिरकत। उधर उच्च शरीफ से भी कदीमी ऊंट गाड़ियों पर चलकर जुलूस निकाला गया। अल्लाह पाक पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर महफूज रखे। मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। मुआवन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब जावेद अख्तर अंसारी भी हमराह। कहा कि पूरा जनूबी पंजाब आज ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअत्तर है। हर कोई अपनी इस्तेदाद के मुताबिक खुशी मना रहा है। पाकिस्तान के हर सूबे में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में करिया करिया जश्न ईद मिलाद का समा है। आवाम पूरी दिलचस्पी से हजूर की आमद पर मुसर्रत और अकीदत के फूल निछावर कर रहे। फलक के निजारो, जमीन की बहारो, सब ईदें मनाओ, हजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हजूर आ गए हैं। जश्न विलादत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैया, शुजाबाद, मियाँ चनू, राजनपुर, दुनियापुर, रंगपुर, कोटाबाद समेत दीगर इलाकों में जुलूस और रैलियाँ, हजारों आशिकान रसूल की शिरकत। घर सवारों ने अपनी अकीदत का इजहार किया। रूहे कोनो मकां पे निखार आ गया, रूहे इंसानियत को करार आ गया। मरहबा मरहबा हर किसी ने कहा, आमदे मुस्तफा तेरी क्या बात है। खुशाब में भी जश्न मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस। ट्रैक्टर ट्रॉलियां, मोटरसाइकिल और कार सवार शेरियों की शिरकत। सरकार की आमद मरहबा मरहबा की सदाएं बुला। बस में आखिरकार शमा फरोजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी। कोहे सुल्मान बाठी में पहली बार जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोटरसाइकिल रैली। बुजुर्गों, जवानों और बच्चों की खसूसी शिरकत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए गए। जुलूस बाठी मस्जिद पहुँच कर अख्तिताम पजीर हुआ। दावत इस्लामी के तहत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहराहों में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकाले गए। यजमान में जुलूस की क़यादत मोहम्मद एहसान अत्तारी ने की। दुनियापुर में रैली अली शेर मदनी, सैयद रफीक शाह बुखारी की क़यादत में निकाली गई। सखी सरवर में जलूस जामिया सुबहानल्लाह वाली से बरामद हुआ। भावनगर के जलूस में भी हजारों आशिकान रसूल की शिरकत। मुल्तान में नून लीग के रहनुमा राणा इकबाल सराज के डेरे पर सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। आशिकान रसूल की बड़ी तादाद में शिरकत। दुरूद व सलाम की सदाओं से फिजा गूंजती रही। डीजी खानवी वजीर मुमलिका सरताज गुल और मुशीर वजीर आला मोहम्मद हनीफ पताफी के सेंट्रल जेल आमद। महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कैदियों ने नजराना नाक पेश किए। कैदियों में मिठाई भी तकसीम की गई। डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज में महफिल मिलाद, कमिश्नर सारा आसिम की खुसूसी शिरकत।
मुल्क कोनैन में अंबिया ताजदार ताज राजारों का आका हमारा नबी। मोटरवे सेक्टर ऑफिस मुल्तान में महफिल मिलाद, अफसरों और अहलकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। मोटरवे पुलिस के जवानों ने गुलहाय अकीदत का नजराना पेश किया। डीएसपी सज्जाद गोंदल ने शुरका में इनामात भी तकसीम किए। शहरी आलिया में मुतहिदा मिलाद काउंसिल का जलूस। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की शिरकत। कहा कि आज हमें यकजहती के पैगाम को आम करने की जरूरत है। दुआ है अल्लाह कश्मीरियों को फतह दे। जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गाड़ियां सजाने का मुनफरिद अंदाज। मियांवाली के शहरी 8 साल से पहले नंबर पर। शहरी का कहना है जश्न मिलाद पर जितना पैसा भी खर्च हो कम है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहावलपुर का एक बार फिर मेयर अकील नजम हाशमी ने चार्ज संभाल लिया। कहते हैं जमहूरियत में दूसरे के मैंडेट तस्लीम किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर बहावलपुर ने शहर का बुरा हाल कर दिया। एक बार फिर शहर को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाएंगे। और हुकूमत फिर बिजली बम गिराने को तैयार। सीपीपीए ने बिजली का यूनिट 2.65 रुपए बढ़ाने के लिए नेप्रा को दरखास्त दे दी। नेप्रा 27 अक्टूबर को समाप्त करेगा। बिजली महंगी होने पर आवाम पर 20 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा।